विजय अभी अभी स्कूल से आ रहा है और उसकी माँ उसकी परीक्षा के रिजल्ट्स का इंतजार कर रही है। विजय, क्या तुम्हें परीक्षा का रिजल्ट मिल गया? विजय हिचकिचाते हुए अपने पेपर्स माँ को दिखाता है। ये तो हमने साथ में पढ़ा था ना, कितनी बार बोलकर सिखाया था तुम्हें, फिर भी तुमने कुछ नहीं लिखा, क्यों विजय? विजय और उसकी माँ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। विजय सारे उत्तर सही दे रहा है और परीक्षा के लिए एकदम तैयार लग रहा है। मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। परीक्षा के समय विजय क्वेश्चन पेपर पढ़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन एक एक अक्षर ही पढ़ पा रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। नेम, द, की, हैच, आई, आर, डी, दर्ड, पी, एल, पी एल, ए, एन, ई, टी, प्लांट, बिफोर, ई, ए, आर। काश मैं भी अपने दोस्तों की तरह जल्दी जल्दी लिख पाता। मैं बहुत ज्यादा टाइम लेता हूँ क्वेश्चन को पढ़ने के लिए और मुझे नहीं पता कि वो मुझसे क्यों पूछते हैं प्लांट्स के बारे में और सोलर सिस्टम के बारे में। ओह नो, अब मैं क्या करूँ, अब तो घंटी भी बजने वाली है। घंटी बजती है और टीचर विजय का पेपर ले लेती है। जब हम परीक्षा की तैयारी कर रहे थे तब तुमने सारे जवाब सही बोले थे, तो फिर तुमने कुछ लिखा क्यों नहीं विजय? मुझे जवाब मालूम थे पर मिस ने क्वेश्चन चेंज कर दिया, उन्होंने प्लांट्स के बारे में पूछ लिया जबकि मैंने तो प्लैनेट के बारे में पढ़ा था। क्या आपका बच्चा पढ़ने के बावजूद परीक्षा में फेल या कम मार्क्स लेकर आता है?